हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एट ऑल एग्ज़ाम हेल्प। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एमटीटी का ही एक 055 आपका जो कोड है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चंस इसमें होंगे, जिसमें सभी आपके जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके आ सकते हैं उसको लेके हमने ये क्वेश्चन बनाया है। तो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगी और ये आप हमसे परचेस भी कर सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कांटेक्ट करके ही आप जो है ये PDF हमसे लेंगे। तो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे अनुवाद साहित्य और जनसंचार। यहाँ पे हिंदी मीडियम का हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो किस तरह से ये दिए जाएंगे ये आपको दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से ये फ्रंट पेज है आपके PDF का, MTT 055 और आपका सब्जेक्ट नेम है अनुवाद साहित्य और जनसंचार। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में से बन सकते हैं वो सभी यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, साहित्य से क्या तात्पर्य है, साहित्य का अर्थ आपको बताना है। और आप आंसर का फॉर्मेट देख सकते हैं, आप ये खुद भी पढ़ के आप जो है पता लगा सकते हैं इसके कितना आपको जो है इसमें ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ईजिली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो जैसे साहित्य एक शब्द है जिसकी हिंदी में अर्थ वाणी का विज्ञान होता है, इसका पूरा अर्थ पहले आपको समझाया गया है, फिर उसके बाद इसके और भी इसके क्या अर्थ होते हैं, इसके और भी कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट में इसमें क्या क्या चीज़ें एडेड होती हैं वो सभी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। यहाँ पे ईजिली आपको पढ़ के आंसर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है, साहित्य के विभिन्न परिभाषाओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। अब साहित्य की और क्या क्या परिभाषा होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे पॉइंट्स का यूज़ करके आपको आंसर दिया हुआ है, और भी इजी हो जाएगा मतलब आपके लिए ये समझना। ये हमारे सैंडविच पब्लिकेशन का है स्टूडेंट, मतलब सैंडविच की तरफ से ही आपको ये सारे आंसर आपके प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि हमेशा आपसे जो है पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट्स जो हो सकते हैं आपके चैप्टर्स में से। क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, किन्हीं 5 विधाओं के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। मतलब बहुत सी यहाँ पे विधाएं होती हैं पर आपको यहाँ पे 5 बतानी है। तो यहाँ पे काव्य फर्स्ट पॉइंट है आपका, काव्य, गद्य और नाटक, कहानी और उपन्यास, 5 हमने यहाँ पे बताई हुई है। ये पांचों की पांचों आप जो है इजीली समझ सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवनी तथा आत्मकथा में क्या अंतर है, यानी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में आपको डिफरेंस बताना है। और ये पूरा डिफरेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, कविता से क्या तात्पर्य है, कविता के बारे में बताना है क्या होती है। तो ये पूरा PDF आपको ऐसे दिया जाएगा, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जनसंचार से क्या समझते हैं, और 5 पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इजी भी है, आपको इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, नवमाध्यम प्रौद्योगिकी पर चर्चा कीजिए और संचार उपयोगकरण यानी कि पॉडकास्टिंग के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। पॉडकास्टिंग के बारे में यहाँ पे बताना है आपको। तो इस तरह से आपको ये दिए जाएंगे, सारे इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए, ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। और इसका PDF आप हमसे परचेस करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आपको शो किए जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इसी पे कांटेक्ट करके आप ये हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।